बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियाज अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, यकीनन ये आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों करना क्या है, हमारे पास है चिकन का एक चेस्ट पीस जिसको हमने काट लेना है और उसका कीमा बना लेना है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास है पैन जिसके अंदर डालेंगे हम 3 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर डाल लेंगे हम प्याज कटी हुई जिसको हमने चॉप किया हुआ है, प्याज है ये 2 टेबलस्पून। और जैसे ये ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर, आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमने पकाना है और थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें डाल लेंगे 200 ग्राम चिकन का कीमा जो हमने बनाया है, और थोड़ा सा हमने इसको पकाना है। और इसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून डाल लेंगे इसमें हम काली मिर्च, और 1/2 टीस्पून डाल लेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ हम मसाले के अंदर इस चिकन को पकाएंगे, भुनेंगे तकरीबन थोड़ी देर के लिए। फिर हम इसके अंदर डाल लेंगे पानी, पानी डालेंगे इसमें 1/2 कप, और फिर इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो ढक्कन दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने उस दौरान एक लिया बॉल जिसके अंदर हम डालेंगे 3 अंडे और इसको बीट करेंगे, और बीट करने के दौरान ही हम इसमें डाल लेंगे 200 ग्राम मैदा। तो 1/2 मैदा हमने पहले डालना है और साथ साथ हमने बीट करते रहना है। और इसमें हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, दूध हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1/2 कप, और साथ साथ बीट करना है आपने। जो आधा मैदा था उसके अंदर डाल दिया है हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं। तो इसको हमने मैदे के अंदर मिक्स कर लिया है और इसको डाल लेंगे इस बैटर के अंदर और इसको बीट करते रहेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए और बीट किया है, तो ये हो चुका है, अब ये बैटर तैयार हो चुका है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 8 मिनट गुजर चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है, और इसकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हमने जो फ्लेम है वो बंद कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमारे पास है पिज़्ज़ा ट्रे, तो इसके नीचे हमने ऑयल की ग्रीसिंग की है और ऊपर बटर पेपर रखकर इसकी भी ग्रीसिंग कर देनी है ऑयल से। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप आटा भी डस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने ये जो बैटर बनाया था ये इसके अंदर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी हमने बेस बना लेनी है इस तरह से, ये बहुत ही ईजिली बन जाएगी, ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो अब हमने जो चिकन था इसको ऊपर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चिकन हमने पकाया था ये इसके ऊपर डाल लेंगे, और इसके बाद ये जो बैटर था ये भी हम इसके ऊपर डाल लेंगे, यानी कि नीचे भी इसी बैटर की बेस थी और ऊपर भी हम यही डाल लेंगे। तो ये हमने डालना है इसके ऊपर, जिससे सारा जो चिकन है वो सारा कवर हो जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। तो इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे हम टमाटर की और शिमला मिर्च की, इससे आप डिज़ाइनिंग के साथ लगाना चाहें या जैसे भी लगाना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने लिया प्रेशर कुकर जिसके अंदर बेकिंग स्टैंड रख देंगे, और इसके अंदर ये जो पिज़्ज़ा ट्रे है तो ये अंदर रख देंगे इसके। आपके पास कढ़ाई है, पतीला है, आप प्रेशर कुकर की जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 मिनट गुजर चुके हैं, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ा बनी है, काट कर दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो बैटर हमने बनाया था वो बिल्कुल केक जैसा है, ये इस तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट होगा, और अंदर जो चिकन है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से पकाया है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बन चुकी है हमारी रेसिपी। दोस्तों आप भी जो ट्राई कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो अब दीजिए फियाज़ अंसारी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।